दर्शक बंधु सिद्धार्थ भक्तिर लड़ई पाला को आपण मानू सादर स्वागत करुचु। आम आज प्रसंग अवलोकन करवा प्रसंगटी हूँ कपाल लिखन। आम देखा प्रकृतरे कपाल लिखन सत्य ना पुरुषकार सत्य। द्वितीय भागर प्रथम पर्यायर पाला परेषण करने मंचासीना गायिका स्वरसुधा कविताराणी दे वर्तमान ये द्वितीय भागर प्रथम पर्याय परेषण से आरंभ करिए। धन ये दुनिया हूँ गोटे रंगमंच खेलाघर से आज ये सिद्धार्थ भक्ति ये जो लड़ई पला चली लड़ई हब किंतु सिंह सहित सिंह लड़ई हम कहीदे धन मैडम प्रस्तुति ए धन खाली कहि देले हबो नाही ये बाउला मन रे चगला मन रे अभुला मन हेले धन गंठी ती तो पकाई थिलो हेले बाउला होई से गंठी टी को खोली देले हे खोली देले बाउला ई गंठी टी को खोली देले मैडम किंतु धन आपन टिके भले के खोली दो र र र सुन सुन सुंदर कथा पदी शुणु धन कौन शुणब ना ये काको केबे कहीं हेलानी कहो पिको समान आच केबे कहीं होई कह कांचन सम आंड केबे कहीं होई कह जातिया नाग तमे बाउल रे खोली देलो ए कहिले कोन ना रा अवंती कटक राज्य नु आ कुंज दल राज्य किंतु धन मन रखि दिबो जहा नाही भारत ता नाही मरते ये पवित्र भारत मध्य रे से अवंती नगर निकट रे से कुंज दल राज्य अछि। हा हा धन ये भलो भाबरे टिके बही पढिबो देखिबो एले भौणी मोर खराब भाबिबो नाही जेतने लड़ई पला चली छि ए लख लख श्रोता माने देखु चंती ए तांको सहित मोर आंतरिकता बहुत भलो अछि किंतु ए जगह रे छाडीबार नाही कुआ जेते तंटी की चिपी चिपी से का का कहिबो से कोन कोइली हबो नाही 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 हेई परबो नाही काच को आपन माने जेते घसीबे चिक चिक करी से कोन केबे कांचन हबो नाही आगे फळे न परिचय होते। अच्छा आपन भंडो दे आगे तीन हाथ बात डै जिवो से कोन जातिया नाग हबो कि हे अगर गंठी के टिके भल कि आपन खोलंतु खोल कि खोलिबा से खाली टिके हाथ मारे रे टिके धन ये सही भद्रक जिला रे पाठ भद्रक सही वासुदेवपुर पानी आज्ञा गोटे जगार लुणी पानी आ गोटे जगार मधुर पानी आज्ञा मन तो कथा अछि ए पाला रे हां धन आज्ञा आमे भौणी के कुछ कहू नांति हमर कर्म क्षेत्र रे जे कर्म विषय रे आज ई विषयटी हौछि जे कपाल लेखन रे कथाटी हेछि आमे सही कथा को आज समाधान करिया पई कथाटी कहू चंती वाह 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 हेला नाही आज्ञा मन को छुईला नाही ये श्रोता मान को मन को कोन छुईबो भौणी देवदेव महादेव को सहित टिके मान वंदन करूथिले मैडम गंठी खोलिले नी ना आपण खोलि खोलुची से मान वंदन करूथिले से कहा सहित करूथिले ना राजांकर अति ओली ओली बेस गेला वसर झियो अति आदरर झियो जहार नाम प्रेम कोला हे पाडे धन आज्ञा आज्ञा नाटी होची प्रेम कला प्रेम कला ए ये झियर रूप रे मोहित होई आज्ञा देवदेव महादेव आज्ञा म कोन हे गेले मोहर पड़ी गेले मोहर पड़ीले तबे धन मान भंजन हैला हैला नाही ना आज्ञा से मन को पाइला नाही आपण पारिबे ठीक सुनिबो मैडम हां मान भंजन आपण पारिबे भी ना आमे कोन छुटिया कवि गाणिबे बड़ कवि आमे यदि छेली छना हेतले आमे छोटो कवि गाणि थांदे हैले आपण सिंह सहित लढाई करिवा लढाई करिवा काहे कि सुंदर कथा पदी भौणी मन रखिवो कविवर राधानाथ राय
गोटे पद लिखी ये भद्रक जापाद बेढ़ी अच्छी छंदी भद्रक जापाद बेढ़ी अच्छी छंदी उत्कला कालिंदी रूपिणी शालिंदी भद्रक जिलार मान मर्यादा को बचेवा आज भौणी मान भंजन दे कवि राधानाथ रा कहले ये भद्रक जिलार प्रत्येक माटी गुड़ी जी आप हस्त धरवे समस्त जड़े जड़े सुवर्णमय कलाकार कहले अतृत हे ना आज्ञा भल अच्छी मंद अच्छी देख भौणी मान भंजन करम मान भंजन टे देख कवि सूर्य बलदेव रथ आज्ञा रत्नाकर चंपुर गोटे पद नवा गोटे पद ठीक अच्छे देवदेव महादेव जिते बड़े प्रेम कलार प्रेम पड़गले मायारे बार वर्ष रु आज्ञा षोह वर्ष करदे मान को भंजन करने को मन को ना को पड़ो मन को मोहित आगे दरकार मन मान हम देखा पु रत्नाकर चंपुर गोटे पद नवा कवि सूर्य बलदेव रथ रत्नाकर आसवा पदे शिखिलु तमे का पाखु मान भंजन शिखी थो जानी ना कारण शास्त्रीय संगीत रे एम ए कोर्स कर देख शिखिलु मन दुख करे बेतालिया कथा बार्ता करुछु कहिलु आमे ताल माध्यम मान भंजन करिबा देख ये भद्रक जिल्लार पाठ केमिति देवदेव महादेव तांडव नृत्य आसीब ता पार्वती लाशे आसीब मान भंजन केमिति देखंतु तबे ताल माध्यम रे आगे आमे मान भंजन करिबा ताल ना कोई परिबे ताल ना अरे ताल ना हला त्रिताल आपण आइडेंटिफिकेशन देइ गेलो भलो हबो र र र त्रिताल र ताल हला त्रिताल तीन ताली
एक फांक एक फांक पु बुआ लोक ये मान भंजन केमी देखे ये सुने दे टिके अमर भौनी सुनंतु ये समस्त मानवंदन करछंती केले ये कविता देर माना मानवंदन स्वतंत्र अलगा ये भद्रक जिल्ला रे मानवंदन हां सुदयगम निश्चित हवारे करियो माने ही करियो आज्ञा आमे पालिया गोलिया बलवानो आपण बलवानो आपण चली फाइटिंग फाइटिंग हो देवदेव महादेवंकर तांडव नृत्य रो आसीला ता आज्ञा पार्वती को लाश रहला लो आसु ताल माध्यम रे मान वंदन करा जीव पो देखिबा हां देखिबा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ना दिन दिन धा चट्टे दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ना दिन दिन ता चट दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा ना दिन दिन ता चट दिन दिन धा धा तेरे कटे धा 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 तेरे कटे धा 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 तेरे कटे तू श्री ना मोर प्राण रमणी गण राण तू श्री ना मोर प्राण रमणी गण त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धना उर्वारु कमिव वंदना मृत्युर्मुखे इमामृता हरिओ ॐ नमो शिवाय 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 हे ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य धायन्ति जोगिन कामद मोक्षदं सैव ओंकाराय नमो नमः ॐ नमो शिवाय शक्ति धरम देव नकाराय नम नम ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हे महादेव महात्मा नांग महाजोगी महेश्वर महापाप हरं देव मकाराय नम नम ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय शिव शिवंकर संत लोकना कीर्ति घन सिनेतन परम ब्रह्म शिकाराय नम नम गुरु जगज्ञ महेश्वर ए गुरु सर्वभूताना एकाराय नमो नमः जेतेबेले देवदेव महादेव आज्ञा प्रेम कलार हृदय को मन को जिणी पारिछि बा ता सहित संभोग बा मिलन होइछि आज्ञा पुत्र संतानटी जात होइछि एही समय रे दुइ नयनुर धार धार अश्रु बहि जाउछि सहदे
ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରାଇଛି, ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସ୍ଥଳେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ କଳଙ୍କ ଏ ନିନ୍ଦାକୁ ନେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରେମଶିଳା, ଇଏ ପୁତ୍ର ଦିନେ ତୁମର ଯଶକାରୀ ହେବ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଇଏ ଦେଶରେ ଦଶରେ ଇଏ ଯଶ ରଖିବ। ଇଏ ପୁତ୍ରଟିକୁ ଏ ମଞ୍ଜୁସାରେ ନେଇ ଏ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଅ ହେ। ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର ତୁମ ଜୀବନର ଉପକାରରେ ଆସିବ, ମୁଖ୍ୟର କାରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ କହିଲେ ବି କହିଲେ ବି ପ୍ରେମଶିଳାର ଦୁଇ ନରୁ ଧାର ଧରି ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସତରେ କଣ ମୁଁ ଏତେ ବଡ କୁକର୍ମ କରିଛି, ଏତେ ବଡ ଅପବାଦ କର୍ମ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୋଷ ନ କରିବି ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଆଜି ବନବାସ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କଲ କାହିଁକି। ତେବେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ଦେଖେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଏ ମୋର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ରହିଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତତେ କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲୁ ବା ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ 12 ବର୍ଷରେ ରହିବୁ ହେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପ୍ରେମ କଳା ସାନ ଝିଅ ଅତି ଅଲିଅଳେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଆସିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ଆଜି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ତଥାପି ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇ ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ କରି ମୁଖକୁ ଲୁକାୟିତ ରଖି ବଞ୍ଚିବି। ତଥାପି ଧନ ଏପଟରେ ସିନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, 12 ବର୍ଷରେ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି କଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେମଶିଳା ଅନ୍ତର ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ରହୁଛି ବା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ଆଜି ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳ ପ୍ରେମ କଳା ଆଜି ମା ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା କାମନା ଥିଲା ବା ତାର ଆଜି ସବୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ପିତାମାତା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ ଆଜି ମୋର ସନ୍ତାନଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିତାମାତା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ଭସାଇ ଦେଇଛି ତୁମର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ତୁମେ ନେବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେମ କଳା ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଲେଖାରୁ ବାପା ଗୋଟିଏ ପଦ, ଏ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଧାରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଉ ଅଛ ପତାକା, ବାହୁଟେ କି ତୁମ୍ଭେ ବସି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଏ ବିପତ୍ତି କରୁଛି ଡକା ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁଃଖୀ ଗଲେ ନା ସ ଅର୍ଜିବ କି ଯଶ, ପଛେ ଚୌବର୍ଗ ଦେଇ ଆଜି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ରର କାମନା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେମ କଳା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଦୂର ଥାଇ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଏ ପୁଅଟେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆପଣ ଏତିକି କୃପା କରିବେ, ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ଧନ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛି। କଣ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଜୋରଦାର କରି ଭିଡିକି ଦେବେ, ବୋଲିବା ବଡ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟି ନଦୀରେ ତ ଭାସି ଭାସି ଗଲା ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ କା କୂଳରେ ବଢିଲା? ବଢିଲା ଠିକ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଆଜି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିବେ ଏବଂ ସେ
पुत्र आज केमिति बढ़िछि कहा कृपा रे बढ़िछि कहला से से नदीर ना ना मैडम तार स्कूल ना ने गाइत बे तार गुना ना भी किछि थिबो थिबो ने गिरे से कोनो निश्चित विषय माध्यम रे कहिबे हेले ए जो आपण केतेटा गंठी देले स्पष्ट करी कहो वर्तमान गोटिए गंठी आज्ञा सेई पुत्र को नै आउ गुटे गंठी लागि गला लागिला कोन लागिला पुत्र नदी रे जाय कुळा रे कोठी लागिला कोठी लागिला से कोन नदी रे गला एवं तार नाम कोन कहा कोळ रे से आउची बढ़िला विषय माध्यम तना नाम कहिबे किंतु धन ये पुत्र टिए मानसिक करबा पई आमे माने जो कहंती जे गुटिए नरकुर से उद्धार करबा पई मानसिक करंती बेस जौति पई ये सचराचर जगत रे समस्तंकर मन रे गुटिए कामना आज्ञा पुत्र टिए जात हेउ हां हां पुत्र टिए जात पई केते मानसिक करंती केमिदि ए से गुटिए नरक कण कहिबे एवं प्रतिज्ञा करी ए कथा कहिबे कहिबे ये गोंठीटा को जोरदार रहिला हां ताको फिटाइबे फिटाइबे हला हां ताळ गच्छ बाहुंगारे बा 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 बाईया बसा हौ हौ ई झड़बत्ता सकुतार हरि भरसा ए ताळ गच्छ बाहुंगारे बाईया बसा झड़बत्ता सकुतार हरि भरसा ए रखे हरि मारे किए रखे हरि मारे किए करिए हि आशा रखे हरि मारे किए करिए हि आशा ए हरि नाम कियारी रे करबे उषा ताल गच मारे भैया बता जड़ बता सकुतार हरि भरसा आउ ए धीरे धीरे सुनथिब मोर जमसी भौणी ताल गच बाहु मारे आउ ए गंठी टिए रहिला जानो ए नरक कथा पुणी आहा ताळ गच बाहुंगारे केउ नरक पुत्र करो युद्धार ताळ गच बाहुंगारे से नरक कथा आजि भौणी करिबे प्रचार आहा ताळ गच बाहुंगारे ए प्रसंगर द्वितीय भागर द्वितीय पर्याय अर्थात चूड़ांत पर्याय वर्तमान मंच को आमंत्रण करवा आसबे गायिका सुधा वर्षिणी सुकांति पद्मावती आउ वर्तमान कविता दे महोदया से आम सहित दर्शक दरबार में उपस्थित हो पाला उपभोग करिवे जय सत्यनारायण की जय तुम्हें सिंह तुमे सिंह हां मु मार्जर ना छेली 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 माने कोन छेली माने कोन जदी हां ये लड़ाई पाला रे आज्ञा सिंह सत सिंह लड़ाई हबो हबो करी छ पदे गाई छ जो महामा कवि कर पदे देई छ अरे मान भंजन कोठी तुमे कोठी मु तो मान भंजन मु देली तुमे सेटी मान भंजन दबार किछि कारण थिला कि मु तो नदी रे तट रे पिला भसाई देली पुणी शिव पिला जन्म कर सारा पर पुणी कौन आसी मानभंजन कले प्रेमशिला सहित रे अरे प्रेम कला नुह प्रेमशिला तापरे ओ एडा तांडव नृत्य कोठे आसिले शिवगण प्रेम करू करू तांडव नृत्य कले हां बिहळ ए भौणी भाबर हे आइछ तमरे कोठिका गुरु तुमे भद्रक जिला रो गायिका हां मु भी भद्रक जिला रो गायिका हां तुमे को गुरु धरछु कि हो छोडो हां ए गुरु कोन शिक्षा देइछंती मानभंजन करू करू तांडव नृत्य करिवो आगे चलो आगे विषय कौठी विषय तमे गल कौठी प्रथमे विषय नेलो नै ना मु गाइली सेई मन भंजन मु गाइली नदी रो तट रे पिला को फसाइली तमे सेती बाट जाइछ आ किछि गाइछ जदि गाइबार नथिला ए लड़ाई पाले को आसीबार नथिला काहे कि आसिलो हां गंठी को नथिला गंठी तो खुलिबा कथा जांग रुधना हां मुनाय दिबी दिबी गणे धो धो भी गौरी सोरा सोरा बाबा दी जस पुण्यति नारद मुखे भागिनि निंदितं विराग बसत भागीरथ तु निर्झरा झरा बुझियो हमरे मते कोन कहलो छेली हां जांग रुधना एक दिन कर घटना घटना कोन छेली पोल मान को भारी सस लागी छि एठी जो गाउ थिले छेली पलो तांको भारी सस लागिला से चली गले नदी रो तत्त को जीवा समय रे जुवारी भट्टा होई जाई छी भट्टा होई पानी पीबा को पाइले नै जे रुधि नाम ने युदि बिदि बिगणे ये छेली पलो निंदा करू छंती धोतपी गौरीश्वर
जो गंगा नदी रु सहस्र देवता माने स्नान करी पाप मोचन करंती छागनी निंदित विराग बसती ये छेली पोल निंदा करुछंती भागीरथी तुम्हें निर्झरा निर्झरा ये पद्मावती सुकांती माझी सहित पल्ला गायबा कुले भौनी दि दस मास जन्म हेबा को पड़ो आ गंठी कण खुली मु गंठी कण तृतीय गंठी प्रेमशिला झीटर नाम चंद्रकला शशिकला किरण वाला ये प्रेमशिला ते सान झियो एक कथा मु कोई थिली पिलाटी जाई कोंठ रोइला रोइला पिलाटी रोइला केउठी हां सही कथा पिलाटी जाई केउठार रोइला हां लड़ई पाला रे प्रथमे गंठी ते खुली देवा हां खुली देवा पिलाटी रो गंठी हो खुली देवा पिलाटी रो गंठी हो खुली देवा खुली देवा केउ दसर कुमारी केउ थी सेटी हो खुली देवा गंठी हो नाम तहार कहिबा बुझाई न देवा ताकु नाम तहार कहिबा बुझाई न देवा भाभी वालो करो मने भाभी वालो करो मने पड़िबो एठी हो खुली देवा नदी तट रे भासी भासी गला भौनी ठीक भाव रे गंठी टा पके पारलो नाही कोई पारलो नाही कोई बार कथा थिला से पिलाटी जत्ते बेले नदी तट रे भासी भासी जाउथिला से दिन कोउ दिन थिला कोउ समय रे से पिलाटी को किए पाइला किए पाइला विषयपुर को जिबा जिबा आउ कोनो जो सहरे चंद्र मोर एतिक कहुछि आपण मने पल्लाटी को श्रवण करंथ ये गोटे नुआ विषय कपाल लिखन अरे जधात निज भाल बोटी लिखित कर्मानुसारे फल विधाता पुरुष जाल लिखिथिबे ये कपाल लिखन के आन करिवो हे एई समय रे कोनाज शहर चंद्रसेन राजंकर रानी पद्मावती पद्मावती पति पराण स्वाति सिमंतिने नारी से नारी मान कर स्वामी ती सर स्वामी को चरण स्वर्ग लक्ष्मी सदा प्रति व्रतार संगिनी स्वामी प्रति अपवर्ग गंगाधर में प्रमाण कले स्वामी यह पर काल देवता स्वामी को चरण स्वर्ग ये लक्ष्मी मध्य नारायण सेवा करूथिले ये पद्मावती रानी कले कोन तांको कोल रे पुओटी कि झियोटे नहीं नथिला आज पद्मावती रानी भाबुछंती किंपा राग जयंत किंपा दात धरणी रे देलु तू जनम राग दे जयंत दीपाड़ा गाइल किंतु भंजकर गोटे पद देलनी समय घटना डेला कौन पद्मावती रानी सखी मान को संगे धरी आज नदी तट को स्नान करने किचक बद गंगाधर मेहर अरे भवन बाहरी भाभी वृंद मंडिले
सखी मानक संगरे धरी पद्मावती रानी नदी को स्नान करबाकु जीवा पई बाहरी पड़ी पड़छि एई समय घटना ठेला बसंत ऋतु आसी जाई छि आसी छि बसंत कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर गोटे ओडसी हाउ देखिबा देखिबा से ओडस्टा केमिति देखो प्राण मीतणी रोसे रोसाईलाणी मधुरे मधु बसंत देखो प्रा रोसे रोसाईलाणी साईलाणी साईलाणी मधुरे मधु बसंत ধন রে আজ্ঞা তে ঝুলেই দবা ঝুলেব নলিনি পাশে ওলি ওলি করে রসিক নলিনি পাশে ওলি ওলি করে রসিক পাশে ন লাগে মন নলিনি নিবের কো পাশে গাউছি মাঙ্গলিক তোমাল ডালে পিক গাউছি মাঙ্গলিক তোমাল ডালে পিক গাউছি মাঙ্গলিক পাশে ন লাগে মন তাটে আনিবা তাল দেব আসিলা তোমাল ডালে পিক গাউছি মাঙ্গলিক তোমাল ডালে পিক গাউছি মাঙ্গলিক নলিনি পাশে দেখো প্রায় এই সময় ঘটনাটি হল কোণ যেতে নদীর তটরে স্নান করা সময় বসন পিঁধিছন্তি দেখলে সখী ই নদীর তটরে কাঠ বাক্স ভিতরে গোটে ছোট পিলে কান্দুছি যাও সখী মানে যাও যাও সখী মানে নদীর তটকু হো যাও যাও সখী মানে নদীর তটকু হো যাও যাও সখী মানে কুমার মণি কু দিও পাশকু হো যাও যাও সখী মানে নদীর তটকু হো যাও যাও পণ্ডিত শুন তোমার ওড়িত বচন কহিলা ঠাবরু পদ করিবি গায়ন যেতবেলে দেখিনেলে সুন্দর পুয়টি কাঠ বাক্স ভিতরে পুয়টি তাকে প্রথমে যেতবেলে পাইলে সে নদীর তটরে প্রেমশীল পাট শাড়ি পিঁধিলা সে পাট শাড়ি চেটু ফিঙ্গি দিয়ে আসলে মঞ্জু সাজে কি কাঠ বাক্স সেতরে ফিঙ্গি দেই রানী কলে কোন পুয়টি ধরি আনিলে কিন্তু সেদিন লা প্রথমাষ্টমী যা বড় পুয় মানে পড়ুয়া হতি
ज्येष्ठ पुत्र माने ये प्रथमाष्टमी थिला बोली पिलाटीर नाम प्रथम किशोर देले हे जिया को नेला पिलाटी को नाना शब्द उठे जाय भी चठणो नाना शब्द उठे जाय भी चठणो अभी सम्राट केंद्र हंज जेउ जाने ओलंकार लक्षण जेउ जाने ओलंकार लक्षण सेई करू म छंद विवेचन सेई करू म छंद विवेचन बाल्य पवंड जवन रचन बाल्य पवंड जवन रचन बाल्य पवंड जवन रीति के बाल्य पवंड जवन रीति के जानो अनुष्ठान ने देला स्थिति के बेसी बाट नवाने मनीषर चारोटी काल थाए बाल्य पौगंड जौवन वार्धक्य दिन कु दिन पिलाटी बड़ी अठार वर्ष रेला कुमार मणि राजा कहले बाबूरे मोर बयस हो गला बार्ध कहीगली आ राजगादी रे बसी पारि ना रे धन तू आज राजगादी रे बसी जाओ हे प्रथम किशोर कहला बापा मु युद्ध अविद्यारे प्रवीण हेली हेले बापा मु मुर्गया को टिके जीवि मुर्गय रो आसिला परे मु निश्चय राजगादी रे बसी सैन्य सामंत धरी पात्र मंत्री मानको धरी जाई मुर्गय रे पहुंची गले जेतबे सारथी गुडा किले सारथी रथ जाओ रथ चली छी रथ रागो जेतले रथ चली छी मुर्गटी को देखिले बेत बड़ रे मुर्ग लुची गला राजा कले कौन अल्प दूर रे गुटे नारी रो क्रंदन स्वर सुनिले ए जंगल मते नारी रो कंठ स्वर सारथी जेउठा नारी कंठ स्वर सुबुची सेटा कुनी चालो मोर रथ पहुंची गले जेतले प्रथम किशोर पहुंची गले कहो कहो अरे नव देखते सुंदर झीटी दिव्य सुंदर झीटी धन रे जिते देखने रे सुंदर झी तुम घर क्यों तुम नाम कौन बापा नाम कौन जंगल बुलु छ एठि बेसी कांधिछ कांधुछ कोन पई मुंडरे ओडोना दैछ कोन पई किछि कहला छियटी किछि कहिला नै ए सारथी एक घर कु नै जिबा हम राज्य कु नै जिबा सारथी कु संगरे धरी पात्र मंत्री मानु कु संगरे धरी प्रथम किशोर से झियटी कु नै गेले से झियटी के तार नाम जानिबा जेते घर कु नेला मा मु जंगल रु फल आनी बाबू रे जदि जंगल रु फल आनी खाई दे ना लो मा सुंदरी झीटी आनी घर क्यों जाने ना परिचय जानी किछि जानिनी तार नाम देख परिचय जानी ना तार मुख दर्शन करी ना मा गला ना ता सहित तर विवाह होई पारिबो ना कहला मा मुझे भल पाई जदि तुम्हें मो सहित सहित बह न कर आत्महत्या करी राणी पद्मावती राणी कहले सुन कुमार हेलु अधीर मन की तर हेला पागल ये जंगली झील को बहुत करू कथा कि सुन कुमार हेलु अधीर मन की तर हेला पागल जंगली झील को बहुत करी कथा कि कन्या
कन्या सहित विवाह करिबि इच्छार कन्या मनोबलाना प्रथम किशोर कला मा आलो जहाँ को थे मन प्राण दे भलो पाई मु आत्मा दे मा ताकु विवाह न कले मरीजी माँ तहत विवाह कर आज हूँ बासराति बासरात्र विधि अच्छी नियम अच्छी नीति अच्छी कौन अच्छी ये नदी तट को स्नान करने देवी माँ को पूजा करेंगे बासर राति हे ये झील सहित बाघर सरी नदी तट को जाई पहुंची गले स्नान सरण रमणी रतन कूल उठिले अम्लान बसन करंग को दे स्नान सारिण रमणी रतन समस्त सखी मान स्नान सर ये झीटी कला कौन उदा बसन पिंधि हटात तो देखने जो काठ बाक्स भितर पाटी को छाड़ी आज पण तो कानी छाड़ी शही पाटा को से काठ बाक्स पण तो कानी टुकुरा टुकुरा देखने डाकी देला हे शिवशक्ति तुमे मो सहित प्रेम लीला करी जो पिलाटी को जन्म देलो आज हूँ मोर बासराती मोर बासराती पूर्वरु से पिला सहित मोर भेट कराई दियंतु कांदी कांदी प्रेम शीला कांदी कांदी प्रेम शीला अधीर होइला मोर स्वामी बोली जाकु धरी था शिव शक्ति मते मते पाप करी मो सहित दूरे चली गले मो पु के रहा चिन्हमी के ठाकुर प्रकृत सती नारी मोर प्रथम बहुत सरी जा द्वितीय बहसराती पूर्व पु सहित भेट कर दिखे संगर जत कांदी कांदी चली गला प्रेमशीला सिंह दर्जा घर देख ला निजर चंदित संतार को देख नहीं कहला ये शिव त्रिशूल चूर वस्त कर मो पु मो बड़ी सही गला परे पद्मावती रानी कहले लो झी ये पर स्वामी कहला ना माँ आप सत्य करतु माँ सत्य 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 रानी कले जहा तोर स्वामी
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କିଶୋର ଜାଣିଲା ମା ସହିତ ତାର ବିବାହ ସରିଛି, ମାତୃ ଋଣ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଶିବ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କିଶୋର, ତୁ ମାତୃ ଋଣ ଦୋଷର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲୁ, ଆଉ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପୁର ପାବକ ହେ ସାରୁ ପିନା କଡମ୍ବରୁ ଧର ଗାୟିକା ଦ୍ୱୟ ଗାୟିକା ସ୍ୱର ସୁଧା କବିତାରାଣୀ ଦେ ଏବଂ ଗାୟିକା ସୁଧାବର୍ଷିଣୀ ସୁକାନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଉଭୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁରି ଭୁରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଯେ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଭୁଜ ଟେକି ଦିଅ ଭାରତର ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ ଯାଉ ନବା ଗରାଙ୍ଗ ହେ ହରିବା।